फ्रेंड्स बॉटनी चैनल पर मैं सारे प्लांट्स लवर का वेलकम करती हूँ। दोस्तों आज का जो मेरा प्लांट है वो बहुत ही फेमस एक्सोटिक ट्रेंडी क्लासी लुक का प्लांट है जिसे कहते हैं मॉन्स्टेरा। देखिए दोस्तों मेरे मॉन्स्टेरा प्लांट का ओवरव्यू कितना सुंदर और कितना प्रिटी लग रहा है मेरे रूम के इस कॉर्नर में लगा हुआ। दोस्तों इस प्लांट की सबसे खूबसूरत जो होती है वो इसकी लीव्स होती हैं। इसकी लीव्स जो होती है दोस्तों वो बहुत बड़ी लश्री ग्रीन और उन लीव्स में ये स्लिट्स पाए जाते हैं दोस्तों और ये होल्स पाए जाते हैं। तो इस स्लिट्स और होल के अरेंजमेंट को दोस्तों फेनिस्ट्रेशन ऑफ लीफ कहते हैं, यानी इसकी लीव्स में जो ये फेनिस्ट्रेशन होता है इसी की वजह से ये लीव्स इतनी सुंदर दिखाई देती हैं। देखिए दोस्तों कितनी लश्री लश ग्रीन लीव्स हैं ये और इनमें जो परफोरेशन है उसकी वजह से इसकी ब्यूटी जो है वो और इनहेंस हो गई। दोस्तों इस प्लांट का जो नाम है मॉन्स्टेरा वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ। इसका मतलब इसका जो ये जो प्लांट है दोस्तों ये बहुत अच्छी ग्रोथ शो करता है, इसीलिए इसका नाम मॉन्स्टेरा रखा गया है। फ्रेंड्स ये जो इसकी जो लीफ की डिजाइन है आजकल बहुत ट्रेंडी है, बहुत चलन में है। इसकी लीफ की डिजाइन को आप पिलो कवर्स पर देख सकते हैं, टी शर्ट्स पर देख सकते हैं और इसकी लीफ की डिजाइन की बहुत पेंटिंग भी बनती है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही ट्रेंडी है, होम डेकोर में इस प्लांट को बहुत यूज किया जा रहा है और बहुत ही फेमस प्लांट है। दोस्तों जितना सुंदर ये प्लांट है इसको लगाना भी उतना ही इजी है। इसको लगाने के लिए आपको दोस्तों मीडियम साइज के पॉट की जरूरत पड़ेगी। आप वैसे ही हाउस प्लांट का सॉयल बनाइए, जैसे हर प्लांट का आप सॉयल बनाते हैं उसी सॉयल में इसको दोस्तों लगा दीजिए। बात करें दोस्तों इसकी सनलाइट की तो इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इसको फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए। इसलिए आप इसको किसी ऐसी विंडो के पास रख सकते हैं जहां से इसको फिल्टर सनलाइट मिले, नहीं तो आप इसको बालकनी में अपनी शिफ्ट कर सकते हैं जहां पर डायरेक्ट सनलाइट इसको ना मिले। दोस्तों अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है तो इस लीव्स के जो टिप्स होते हैं वो सारे ब्राउन हो जाते हैं और जल जाते हैं जिससे फिर ये अपनी ब्यूटी को खो देता है। फ्रेंड्स बात करें इसकी वॉटरिंग की तो अगर आपने इसको इंडोर रखा है तो आप हमेशा सॉयल को टच करके ही वॉटरिंग करें। जब सॉयल ड्राई लगे तभी आप इसकी वॉटरिंग करें और अगर आपने इसको आउटडोर रखा है तो भी आप सॉइल टच करके ही इसकी वॉटरिंग करें। जब सॉइल ड्राई होने लगे तभी वॉटरिंग करें। वैसे दोस्तों ये मॉइस्ट सॉइल को पसंद करता है और ह्यूमिडिटी को पसंद करता है। फ्रेंड्स इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको इसको रेगुलरली फर्टिलाइज भी करना पड़ेगा। आप इसे नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दे सकते हैं जिसकी वजह से ये इतनी लॉन्ग लश ग्रीन जो है की ग्रोथ शो करता है। आप इसे नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दीजिए। मैं तो सिंपली इसको कंपोस्ट ही देती हूँ, जैसा हर प्लांट में मैं डालती हूँ वैसी। दोस्तों बहुत ही ट्रेंडी बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये इंडोर प्लांट है। फ्रेंड्स इसकी लीफ में ये जो परफोरेशन होता है वो क्यों होता है, इसकी कई वजह जो है वो फेमस है। उनमें से एक सबसे प्रमुख वजह ये है कि दोस्तों ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के घने जंगलों में बड़े प्लांट्स के नीचे उगता है। इसके स्टेम पर एपिफाइट रूट्स यानी हवा में लटकने वाली रूट्स पाई जाती हैं जिनके सहारे से ये प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है, बड़े प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है। और बहुत घने जंगलों में पाया जाता है जहां सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंचती है, इसीलिए इसकी लीफ में ये परफोरेशन होता है ताकि सनलाइट जो है वो चन के प्लांट को नीचे तक मिले। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है। ये एयर में प्रेजेंट ज़ाइलीन टॉलवीन आदि हार्मफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके एयर को क्लीन करता है। अपने इतने ब्यूटीफुल लुक के कारण दोस्तों ये सबका फेवरेट है। फ्रेंड्स इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, इसलिए पेट्स के लिए ये हार्मफुल होता है। अगर आपके घर में पेट्स हैं दोस्तों तो पेट्स को आप इन प्लांट्स के पास जाने से बचाइए। फ्रेंड्स इसका प्रोपोगेशन भी बहुत इजी है, बहुत इजी प्रोपोगेशन होता है। अब देखिए दोस्तों ये इसकी जो लीफ है वो पुरानी हो गई है। अब मैं इस लीफ को यहां से कट करके पानी से भरे हुए ग्लास में डाल दूंगी तो कुछ दिनों में नई रूट्स ये डेवलप कर लेगा, यानी कि इसका प्रोपोगेशन भी बहुत इजी।
तो इतनी सुंदर लीफ होने की वजह से, इतने इजी ग्रोइंग होने की वजह से और इतना इजी प्रोपोगेशन होने की वजह से दोस्तों ये सबका फेवरेट प्लांट है। सब लोग इसको इंडोर प्लांट्स के रूप में दोस्तों बहुत पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये मॉन्स्टेरा के बारे में जानकारी पसंद आई हो, मेरा प्लांट पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।